कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से हजारों किलोमीटर दूर आपको लखनऊ लेकर आए हैं। यहाँ पहले इस फैसले को लेकर मुस्लिम महिलाओं की राय सुनिए। बिल्कुल गलत ये बात कही है। हम लोग तो किसी को मजहब को नहीं कह रहे हैं कि अगर सरदार है तो अपनी पगड़ी उतारो, हिंदू हो तो अपना भगत रंग उतारो, या फिर कोई और मजहब को, तो फिर इस मजहब पे इतना उछाल काहे के लिए दिया जा रहा है। जब ऊपर वाला नहीं कुछ कह रहा है, 17 तारीख को आपकी होली जलाई जाएगी, 17 तारीख को हमारा शबे कदर हो रहा है, 18 तारीख को आप रंग चलाओगे, 18 तारीख को हम लोग रोजा रखेंगे, जब ऊपर वाला फर्क नहीं कर रहा है तो हम लोग कौन आम इंसान है जो इतना फर्क कर रहे हैं। और हिजाब तो हमारे लिए हर हालत में जरूरी है, एक जरूरी है, एक हर हालत में जरूरी है। हिजाब की जरूरत आपको लगती है, आप भी बाहर निकलती होंगी, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सिमरन खान है। कितनी जरूरत लगती है हिजाब पहनना बाहर जाते समय? बहुत जरूरत लगती है और हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और हमारे इस्लाम में जो है औरत एक हीरा है और हीरे को छुपा के रखा जाता है, ना कि दिखा के। आपको लगता है चाहे शिक्षण के संस्थान हो, कॉलेजेस हो, वहाँ पर भी लड़कियों को मौका जानना? जी जी बिल्कुल, वहाँ भी वो पहन के? जी जी। मुस्लिम नागरिक, छात्राएं, मुस्लिम वर्ग के नेता ये सभी हिजाब को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए जरूरी बताते हैं। तो सवाल नंबर 7 यही, क्या संविधान से मिले धार्मिक आजादी के अधिकार में हिजाब नहीं है? जिस चीज को आस्था की स्वतंत्रता, अंतःकरण, सही लफ्ज जो है वो कॉन्शियंस है जो इस्तेमाल किया है कॉन्स्टिट्यूशन। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि धर्म की आजादी तो एक तरह से ग्रुप का भी मामला हो सकता है, अंतःकरण की आजादी का मतलब है कि भारत के संविधान में ये व्यक्ति का अधिकार है, समुदाय का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मापदंड स्थापित कर दिया, आप कहते हैं कि ये चीज आपका धार्मिक अधिकार है, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपकी जो बुनियादी आस्था है उस पर के अनुसार आचरण करने के लिए आपको ये करना जरूरी है। अगर ये करना जरूरी है तो हम इसको आर्टिकल 25 का, अनुच्छेद 25 का संरक्षण मिलेगा। अगर ये नहीं दिखा सकते हैं आप तो संरक्षण नहीं मिलेगा। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है। लेकिन अब चिंता की बात यह कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जहां मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर 62.41% है, जबकि हिंदुओं में ये 70% से ज्यादा, जैन में 87% से ज्यादा, ईसाई महिलाओं में 76.78%, सिख में 71% से ज्यादा, बौद्ध महिलाओं में 77.87% साक्षरता है। यानी मुस्लिम महिलाओं में सभी धर्मों के मुताबिक साक्षरता कम है। क्या ऐसे में हिजाब विवाद में फिर से छात्राओं की शिक्षा हाशिए पर जा सकती है? हेड स्कार्फ को बैन करने का मतलब यह है कि वो उन मुस्लिम लड़कियों को, उनके बिलीफ को हर्ट करता है। और ये कहा जा रहा है कि आप या तो अपने रिलीजन पर चलिए या एजुकेशन को छोड़ दीजिए। हमारा मानना यह है कि एजुकेशन जारी रहेगा हमारे बिलीफ के साथ। और हिजाब पहनने से देखिए, सरकार इंटरवीन कब कर सकती है? जब मेरा एक्शन जो है वो किसी को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो किसी को हार्म नहीं हो रहा है। हर जगह पे लड़कियों को तंग करना शुरू करेंगे। अरे भाई, तालीम हासिल कर रहे हैं वहां तंग करेंगे आप लोग? देखिए, अब तो ये है, अब तक इनिशियल रिएक्शन मेरा यही है। अफसोस मुझे इसलिए है कि ये जो इस्लामी परंपरा है इसकी शुरुआती जो होती है वो इससे है कि मतलब रिलीजन का मतलब ही है पढ़ो, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, पढ़ो उसके नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसने तुम्हें वो सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे, अल्लम अल इंसान मा लम यालम, जिसने तुम अल्लजी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम को जरिया बनाया है ज्ञान प्राप्ति का। तो यहाँ रिलीजन का मकसद ही ज्ञान प्राप्ति है। इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट करके देखता है तो वो तो अफसोस ही किया जा सकता है। 74 दिन चले विवाद में 11 दिन चली सुनवाई के बाद हिजाब का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सब धर्म धर्म कर रहे हैं, जबकि गरीबी, कम साक्षरता, शिक्षा छुड़वा कर शादी के बंधन से फंसती छात्राओं के शिक्षा के अधिकार पर ही हिजाब के विवाद का पर्दा पड़ा हुआ है। दिल्ली से श्रेया और मिलन शर्मा के साथ प्रमोद माधव, बेंगलुरु आज तक।